वो दिन था 1993 का जब कोका कोला इंडिया में लॉन्च हुई। तो कोका कोला इंडिया के लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई, क्योंकि उस टाइम इंडियन ड्रिंक थम्स अप बहुत पॉपुलर था, जिसको देखो थम्स अप पी रहा था। तो कोका कोला ने मार्केट लीडर बनने के लिए थम्स अप के साथ दो तरीके से गेम खेला। पहला, कोका कोला ने थम्स अप बेचने वाले डिस्ट्रीब्यूटर से सारी थम्स अप खुद खरीद ली, वो भी नकली डिस्ट्रीब्यूटर बनकर, ताकि थम्स अप को लगे कि उसका थम्स अप बिक रहा है। और कोका कोला सारे थम्स अप खरीद कर उसे डिस्ट्रॉय कर रहा था, ताकि थम्स अप पब्लिक के पास पहुंच ही न पाए और लोगों को सब तरफ सिर्फ कोका कोला ही नजर आए। दूसरा, कोका कोला ने थम्स अप के लिए बोतल बनाने वाले कंपनियों के साथ डील कर ली। आप जितना मर्जी पैसा ले लो, लेकिन थम्स अप के लिए बोतल मत बनाना, जिससे थम्स अप मार्केट में दिखना ही बंद हो गई और थम्स अप को इतना लॉस हुआ कि मजबूरी में कोका कोला को बेचना पड़ा।